रीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए यह एक विशेष सूचना है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़े, क्या पढ़े। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। और पढ़ने के लिए आप ये सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिकों को आपको स्कूल की किताबों में से ही पढ़ना है, क्योंकि स्कूल की किताबों में कम पेज ज़्यादा है लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो कम है, और वो आपको आसानी से याद रह जाएगी एग्ज़ाम तक। अगर आप सिलेबस को किसी बाहरी किताब से पढ़ते हो तो वहाँ आपको मैटर बहुत अधिक मिलेगा पढ़ने के लिए, और इतना मिलेगा कि आप उसको याद नहीं रख पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसलिए आप स्कूल की किताब ही पढ़ें, पहले स्कूल की किताब पढ़ें। जब आपको स्कूल की किताब पूरी तरह से रटा हुआ जाए या पूरी तरह से समझ में आ जाए तभी जा कर के आप और किताब पढ़ें। स्कूल की किताब पढ़ें या एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, वहीं से आप रीट के टॉपिक को क्लियर करें। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से पेपर बनता है राजस्थान की एग्ज़ाम का। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।